लेकिन आपको मुझ पर ट्रस्ट करना चाहिए। मैं सब कुछ जानबूझ के आपको अपनाना चाहता हूँ, तो फिर आपके लिए गलत क्यों साबित होगा? शादी के बाद एक फरीक का पछताना दूसरे फरीक के लिए अजाब बन सकता है, और मैं इस अजाब में नहीं पड़ना चाहती। लेकिन ऐसा नहीं होगा, आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं। आप ये शादी क्यों करना चाह रहे हैं? मैं नहीं जानता, बस इतना जानता हूं कि ये मेरे अंदर की ख्वाहिश है। मुझे यकीन नहीं आता। तो यकीन करना सीखिए, वरना आप एक पुरखलूस इंसान को खो देंगे। ठीक है, आपको अपने खुलूस पर इतना यकीन है तो आप अपनी अम्मी को भिजवा सकते हैं। हरगिज़ नहीं, मैं जाऊंगी वहां। रिश्ता मांगने दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? प्लीज मामा, आप एक बार उनसे मिल तो लें। जब मुझे उनसे कोई रिश्ता बांधना ही नहीं है तो जाने का फायदा? लेकिन मामा, ये मेरी ख्वाहिश है, और आपने तो मेरी ख्वाहिश कभी नहीं टाली। बच्चे जब गलत चीज के लिए जिद करने लगे ना, तो उन्हें इनकार भी करना पड़ता है। मामा, वो एक डिसेंट लड़की है, समझदार है, पढ़ी लिखी है। शादी के लिए सिर्फ ये क्वालिटीज काफी नहीं होती, घर, खानदान, स्टेटस सब देखना पड़ता है। लेकिन मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। पता नहीं क्या घोल के पिला दिया है उन लोगों ने तुम्हें। कुछ नहीं घोल के पिला दिया मुझे, वो लड़की तो खुद राजी नहीं हो रही थी इस शादी के लिए, बड़ी मुश्किल से मनाया उसको मैंने। ड्रामेबाजी है, भला तुम जैसे लड़के से शादी से वो क्यों इनकार करेगी? नहीं मामा, वो आम लड़कियों से मुख्तलिफ है। हाँ, मुख्तलिफ तो है। प्लीज मामा, आपको ये गुफ्तगू सूट नहीं करती। क्या बहुत खूबसूरत है वो? पता नहीं, मैंने तो उसको गौर से देखा भी नहीं। तो फिर क्यों कर रहे हो ये? पता नहीं मामा, पता नहीं। बहरहाल मैं तुम्हें इस शादी की इजाजत नहीं दूंगी। मुझे पता था बेटा कि वो नहीं मानेगी। लेकिन मैं उन्हें मना लूंगा। बेटा अगर वो नहीं मानी तो फलक रजामंद नहीं होगी। प्लीज आंटी, आप फलक को समझाइएगा। अम्मी नहीं मानी तो मान जाएंगे, आखिर कब तक नाराज रहेंगे? और फिर मुझे यकीन है फलक अपने सब्र और अच्छे बिहेवियर से बखूबी उनका दिल जीत लेगी। इतने बेटा, दरअसल वो आने वाले दिनों से बहुत खौफज़दा है। यकीनन ये सिचुएशन किसी भी लड़के के लिए नाकाबिले कबूल है, लेकिन मुझे यकीन है मेरी तरफ से उसको अपने किए हुए फैसले पे कभी पछतावा नहीं होगा। मुझे पता है बेटा, तुम बहुत हसास, बहुत जिम्मेदार लड़के हो। अगर आपको मुझ पर यकीन है तो प्लीज फलक को इस शादी के लिए राजी कर लें। आपको क्या लगता है मैं ऐसे घर में खुश रह सकूंगी जिस घर में मेरा इस्तकबाल नापसंदीदा नजरों से हो? बेटा मैं जानती हूं कि तुम्हें दिल जीतने का हुनर आता है। अम्मी, पास दिल संगलाक पहाड़ों से भी ज्यादा सख्त होते हैं। उनसे कितना भी टकराया जाए वो ना तो टूटते और ना ही उनमें दरार पड़ती है। लेकिन बेटा, अगर उन्हीं पत्थरों पे बूंद बूंद करके पानी गिरता रहे तो
तो उनमें सुराख भी तो हो जाया करते हैं ना। इसका मतलब है कि आप अपना फैसला कर चुके? नहीं, तुम खुद मुख्तार हो फलक, और फैसला भी तुमने ही करना है। मैं तो सिर्फ अपना फर्ज अदा करना चाहती हूँ फलक। मम्मी, मैं क्या आप पर अब बोझ बन गई हूँ? मैंने ऐसा कब कहा है? आप भी तो अकेली, मुझे हर वक्त आपकी फिक्र लगी रहती। बेटा, जब तुम्हारी सास से शादी हुई थी तब भी तो मैं अकेली थी ना, अब भी रह लूंगी? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये मुझसे शादी करने के लिए इतनी जिद क्यों कर रहा है। पता नहीं इसके दिल में क्या है। उसकी नीयत पे शक ना करो फलक, वो अच्छा लड़का है, अपनी माँ को राजी करने में लगा हुआ है, इंशाल्लाह मान जाएंगी वो, शक ना करो उस पे। का मतलब है कि आपने फैसला कर लिया है। बेटा, इसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं है ना, कोई रास्ता है जिंदगी गुजारने का? रास्ते तो बहुत हैं मम्मी। अम्माद आया था, पूछ रहा था तुम्हारे लिए शादी का कैसा जोड़ा खरीदे। मैंने तो कह दिया कि अपनी मर्जी से खरीद ले, तुम्हारी चॉइस पूछ रहा था बाकी चीजें खरीदने के लिए भी। आपको लगता है मैं कि ये सब चीजें मुझे खुश रख सकेंगी? क्यों नहीं, मोहब्बत से खरीदी जाएंगी तो खुश जरूर रखेंगी। फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। प्यारी चीजें हैं ना, पसंद आई है ना तुम्हें चीजें? माशाल्लाह, कितनी अच्छी चीजें लेके आया, देखना तुम अम्माद के साथ बहुत खुश रहोगी। आपको क्या लगता है कि ये सब महंगी चीजें मुझे खुश रख सकेंगी? बेटा, इन सब चीजों में अम्माद की मोहब्बत है। और तुमने शादी का जोड़ा देखा है, कितना खूबसूरत है ना। वैसे तो शरारा होता तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन ये भी ठीक है, प्यारी लगोगी तुम इसमें। पता है, मैं तो उसे पैसे भी दे रही थी इन चीजों के लिए, लेकिन उसने लिए ही नहीं। मम्मी, उसके नजदीक हमारे कुछ हजार रुपए क्या हैसियत रखते? बेटा, हमारी जो हैसियत है वही तो कर सकते हैं ना। इसीलिए तो मैं आपसे कह रही हूं, ये बहुत ही बेजोड़ रिश्ता है। इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है बेटा? उसे वैसे भी हमारे पैसों की जरूरत तो नहीं है ना, अल्लाह का दिया सब कुछ है उसके पास। माशाल्लाह,
कितनी प्यारी चीजें लेके आया है। बेटा वो लोग आ गए। माशाल्लाह, उसके अम्मी साथ आई? नहीं, कुछ दोस्त आए हैं उसके साथ। चलो मैं तुम्हें तैयार करा दूं। सुने, हो सकता है आपको इस घर में वो पजीराई ना मिले जिसकी तवक्को एक नई दुल्हन कर सकती है। आपकी भी गाड़ी निकल सकती है सिर्फ 200 रुपए में, क्योंकि यूफोन की शाहकार ऑफर इस बार आई है दुगने इनामात के साथ। यानी अब 10 नहीं बल्कि आप जैसे 20 खुशनसीब हासिल करेंगे 20 शानदार सुजुकी स्विफ्ट। तो बस अभी नई यूफोन ये क्या कह रही है? तुम्हारे चेहरे पे वो खुशी नहीं है बेटा जो मेरी आंखें देखना चाहती हैं। आप माँ की नजरों से क्यों देख रहे हैं? अच्छा प्लीज प्लीज मामा छोड़ देना, फॉरगेट इट, रिलैक्स। सुबह भी उसने आपकी वजह से नाश्ता नहीं किया। मेरी वजह से? जबकि मैं सुबह से भूखी बैठी हूँ, भूख प्यास उड़ गई है मेरी। किसी की मांग ना उजड़ी।